नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चेस चैनल क्लासिक चेस न्यूज में। अगर चेस आज वाकई इम्प्रूव करना चाहते हैं तो लर्न करना है तो आप पजल सॉल्व करिए। जितना ज़्यादा पजल सॉल्व कर पाएंगे और जितने अच्छे तरीके से, नहीं भी सॉल्व कर पाए तो कोई बात नहीं, जितना ट्राई करेंगे तो उतना बेहतर होगा। चलिए हम लाइव पजल सॉल्व करते हैं। ये पोजिशन है हमारे सामने, अब हम देखेंगे कि सारे पीसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड हैं। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर बिशप पर हमारे पास डबल अटैक है और वहाँ क्वीन का सिंपल एक ही अटैक है। अगर कहीं से चेकमेट का पोजीशन देख लेते हैं, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अगर इधर क्वीन रहता आ सकता था तो चेकमेट होने की संभावना रहती। अभी अगर H6 पर रखेंगे तो ये F5 रख देगा तो दिक्कत हो जाएगी, उसमें चेकमेट नहीं हो पाएगा वहाँ से। तो ये पहले पोजीशन देख लेना है कि कहीं से चेक हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर सिंगल प्रोटेक्टेड है बिशप और हमारा दो अटैक है, तो अगर एक पीस तो हम यहाँ विन कर सकते हैं। तो क्वीन पर अटैक है तो क्वीन को ही हटाना पड़ेगा और इस तरह से हम एक पीस और कुछ देख लेते हैं। थ्रेट नहीं है, जीत गए। तो चलिए एक पजल हो गया, अब नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर पोजीशन है वो किंग और उसके साथ कोई पीस हो एक ही फाइल में या एक ही इवन डायगोनल पे या कैसे भी, तो एक थ्रेट होता है काफ़ी बड़ा, इसको कहते हैं कि वीकनेस होती है, उसका फ़ायदा उठाना ही पड़ेगा। यानी यहाँ पर हमें फ़ायदा कैसे भी उठाना ही है। ये दोनों अगर किंग और बिशप एक लाइन में आ गए हैं तो इसको हम सोच लेते हैं कैसे। अगर हम रुक को लाते हैं F1 पे तो किंग वहाँ चला जाएगा और इसका प्रोटेक्शन रहेगा और यहाँ पर अटैक करना बहुत मुश्किल हो रहा है, उसको विन करना मुश्किल हो रहा है। क्वीन से भी प्रोटेक्टेड है। हम यहाँ पर लाते हैं, इसको तो पिन करना ज़रूरी है ही, और ये तो वहाँ चला जाता है। अगर हम इससे मारते हैं तो अभी फ़िलहाल में काफ़ी कुछ ये है। अगर सपोज करिए यहाँ रखते हैं रुक को और उसका किंग चला जाता है G8 पे, तो यहाँ पर हम अगर उसके नाइट को खाते हैं तो बिशप से चेकमेट का थ्रेट हो जाएगा। यहाँ ये खा लेगा, हमें पीछे ही उधर जाना पड़ेगा H1 पे, रुका के चेकमेट कर देगा। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, ये ख़तरनाक है बहुत ज़्यादा, ये देखना पड़ता है। इससे बेटर है कि इसको अगर हम खा लेते हैं तो क्वीन ही आएगा, क्वीन से ही खाना पड़ेगा। और कोई सिचुएशन है, इसको क्वीन से ही खाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर रखेंगे क्योंकि ये नाइट तो पिन है, नाइट पर तो नाइट आएगा नहीं, तो फिर हमारा हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए हाँ, अब जो है अब हम क्वीन ले लेंगे सीधे, तो ये तो हो गया। लेकिन यहाँ देखिए थ्रेट देखना पड़ता है हर तरह से। यहाँ सिचुएशन है, यहाँ पर दो रुक हैं, उसके दोनों ही प्रोटेक्टेड नहीं हैं, ये भी नहीं है ये भी नहीं है। अब लेकिन यहाँ प्रोटेक्शन छोड़ा क्यों, ये देखना ज़रूरी है कि कोई डेंजर तो नहीं है। पहले उसके थ्रेट देखना, हम तो चाहे तो ले सकते हैं इस रुक को, लेकिन वो उसके बाद करेगा क्या। उसने अगर एक सेक्रीफाई किया है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। तो सेक्रीफाई कभी भी एक्सेप्ट करते वक्त सावधानी बरतें, आप पूरी कैलकुलेशन कर लें उसके बाद ही सेक्रीफाई एक्सेप्ट करें। और यहाँ जो सिचुएशन है वो बहुत ल्यूरिंग होता है। रुक फ्री में मिल रहा हो तो रुक हो गया, क्वीन हो गया, कुछ भी देख लेते हैं कि क्यों दिया है सेक्रीफाई। ये पॉन ही लिया है, कोई पीस भी नहीं लिया यहाँ पर, तो उसको मार लेते हैं। यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा है कोई ख़तरा। अब देखिए यहाँ पर वो डिस्कवर अटैक देना चाहता है किंग के ऊपर, उसका रुख सीधे क्वीन के पास जाएगा और क्वीन को अटैक करके मतलब क्वीन विन करना चाहता है डिस्कवर अटैक देके। तो ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम किंग को ही हटा लें तो किंग कहाँ पर हट सकता है, यहाँ देखने ज़रूरी है कि जहाँ से आगे खतरा ना हो। उसने अगले ने सेक्रीफाई दिया, इस दोनों जगह पर तो आ नहीं सकता है क्योंकि वो डिस्कवर अटैक बना रहेगा। और
फिर हमारे पास जो कितने स्क्वायर बच गए, इस वाले यानी टोटल 5 स्क्वायर है जहाँ किंग जा सकते हैं। अब 5 स्क्वायर में सबसे बेस्ट स्क्वायर क्या होगा इसको हटाने के लिए, तो हमारे पास अगर हम नीचे के साइड जाते हैं ये इन दोनों जगह पे, तो क्या ख़तरा हो सकता है, तो रुक पीछे ले जाकर या रुक से रुक के इस पूरे फाइल पर रख के या फिर कहीं भी रख के यहाँ से भी चेकमेट का थ्रेड लगा सकता है वो A1 से, अगर हम C1 पर जाते हैं तो रुक उस फाइल में D फाइल में कहीं भी रख देगा, और उसके बाद से अगर इस साइड जाते हैं तो ये डेंजर स्थिति बनी रहेगी, कभी भी A1 पर ऊपर ही जाना सही रहेगा, साइड में जाना नहीं है, साइड में कहीं भी जाते हैं तो वहाँ डेंजर है। हाँ बिल्कुल सही है। अब ये क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है, यहाँ से उसके पास उसके थ्रेड्स देख लेते हैं पहले, तो वो चाहता है कि क्वीन इसका आ रहा है B4 पे, और B4 पे आके चेक देगा तो हमारे पास बहुत लिमिटेड जगह रह जाएगी, लिमिटेड क्या सिर्फ एक ही जगह रह जाएगी जाने के लिए A2, और कहीं जा नहीं सकते, तो और कोई उपाय इसका, वो जो उसके थ्रेड से यहाँ आ गया तो फिर उसके बाद से हमारे पास यहाँ A3 B3 C3 तो क्वीन से ही कवर है, इवन B2 भी कवर है, तो हमारे पास जगह बचता है एक। सिंपल है, अगर हम उसको वहाँ आने से ही रोक दें तो कोई थ्रेड नहीं लगेगा, नहीं तो यहाँ से कई टाइप के वो थ्रेड्स कर सकता है और चेकमेट भी हो सकता है यहाँ पे, तो वहाँ आने से ही रोक दे तो हमारे लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा, और वो क्वीन को हम अगर B5 पर रख देते हैं तो उसका क्वीन आएगा तो हम मार लेंगे उसको, यही सही है। हाँ बिल्कुल सॉल्व हो गया पजल। नेक्स्ट पजल देखते हैं, ये पजल देखा ही लग रहा है, लेकिन इस सिचुएशन में क्या है कि यहाँ पर अनडिफेंडेड पीस है बिशप, इसको कैसे टारगेट करें, टारगेट अगर, और ये पॉन भी अनडिफेंडेड है, इसको हम खाते हैं नाइट से, और ये दोनों को हम ले सकते हैं, लेकिन जो अनडिफेंडेड है अभी तो खाने से कोई फ़ायदा है नहीं, सब क्वीन द्वारा हर पीस डिफेंडेड है, उसका सिर्फ एक बिशप जो है A5 पर अनडिफेंडेड है, अगर हम इसको खा लेते हैं तो उसके बाद सिचुएशन होगी कि वो लॉन्ग कैसलिंग करता है तो उसका रुख जो है वो बिल्कुल सामने E8 पर रहेगा, अगर हमारा यहाँ रहेगा क्वीन, अब क्वीन फिर हम अगर उसके नाइट को खाते हैं तो या तो रुक से खाएगा तो हमारा डबल अटैक रहेगा इसके नाइट पर, तो दूसरा नाइट भी हमें मिल जाएगा, अगर नाइट से खाता है तो हम भी सब खा लेंगे, सही है। अब देखते हैं किससे खाता है वो, नाइट से खाया भी सब खा लेते हैं बस, ये हो गया सिंपली। अब नेक्स्ट पजल की तरफ जाते हैं, अब मेरा भी स्कोर ठीक हो रहा है पजल में, तो देखिए पजल सॉल्व करने से काफ़ी सोचने को मिलता है, यहाँ पर हम चाहेंगे कि आप इस पजल को सॉल्व करें, इस पजल का सलूशन मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके बताएं कि इसका सलूशन क्या होगा, आप देख लें कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, और